आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो आपके दुबलेपन को दूर करके आपको मोटा कर देंगी। दोस्तों, जहां बहुत से लोग अपना वजन कम करने को लेकर परेशान हैं, वहीं बहुत से लोग अपने दुबलेपन की वजह से भी परेशान हैं। देखा जाए तो नॉन वेजिटेरियन लोग तो बड़ी आसानी से कुछ भी खाकर अपना वजन बढ़ाकर मोटे हो जाते हैं, लेकिन वहीं वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है। उन्हें लगता है कि हम मांस, मछली और अंडा नहीं खाते तो हम अपना वजन नहीं बढ़ा सकते। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को मैं यही कहूँगा कि आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप वेजिटेरियन हैं तो क्या हुआ, आप भी अपना वजन बढ़ा सकते हैं, और वो भी किसी नॉन वेज फूड का इस्तेमाल किए बगैर। इसके लिए आज मैं आपको पाँच ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊँगा जिन्हें अगर आप रोज़ाना खाने लग जाएंगे तो कुछ ही महीनों में आप भी मोटे और तंदुरुस्त हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सब्जियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर आप फलों के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से फल हैं जिन्हें खाने से वजन बढ़ता है, तो इस पर भी हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अब चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और बात करते हैं उन सब्जियों के बारे में जो वजन बढ़ाने में बहुत मददगार होती हैं। नंबर एक, आलू। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन इसे खाने से वजन बढ़ता है शायद इस बात को बहुत कम लोग ही जानते होंगे। दरअसल आलू में कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स शुगर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यह सब्जी वजन को बढ़ाने में बहुत असरदार होती है। वजन को बढ़ाने के लिए आप आलू को कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उबालकर, भूनकर या फिर सब्जी के तौर पर। लेकिन ध्यान रखें कि आलू को ज़्यादा फ्राई करके ना खाएं, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नंबर दो, कद्दू। कद्दू, जिसे अंग्रेजी में पम्पकिन भी कहते हैं, ये भी एक स्टार्च से भरपूर सब्जी है जो वजन को बढ़ाने में बहुत असरदार साबित होती है। दरअसल कद्दू में मौजूद स्टार्च शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है, जो शरीर में फैट स्टोरेज को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए जिन लोगों के शरीर में चर्बी कम होती है, उन्हें यह सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। आप इसे दोपहर या रात दोनों में से किसी भी टाइम अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका सूप बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हेल्दी तरीके से आपके शरीर का वजन बढ़ेगा। नंबर तीन, हरे मटर। हरे मटर को अगर आप कोई मामूली सब्जी समझते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। दरअसल ये उन सब्जियों में शामिल है जिसमें फाइबर और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जो न सिर्फ वजन बढ़ाने में कारगर है बल्कि आपको तंदुरुस्त रखने में भी फायदेमंद है। दिलचस्प बात यह है कि हरा मटर कार्बोहाइड्रेट से भी भरपूर होता है, जो वजन बढ़ाने का प्राइमरी सोर्स है। इसलिए जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें हर रोज एक कटोरी उबले मटर जरूर खाना चाहिए। आप इसे सलाद या फिर किसी दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। नंबर चार, मक्का। मक्का, जिसे अंग्रेजी में कॉर्न भी कहते हैं, ये स्टार्च से भरपूर एक मशहूर सब्जी है, और ये बात याद रखें कि स्टार्च से भरपूर सब्जियों के सेवन से आपका वजन बढ़ता है। अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप कई तरीकों से करें। मक्के को आप स्नैक्स के तौर पर या इसके आटे से बनी रोटी या पराठे को अपने खाने में शामिल करें, या फिर एक कटोरी उबले कॉर्न को अपने हिसाब से थोड़ा चटपटा बनाकर सुबह नाश्ते के तौर पर खाएं। इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नंबर पाँच, शकरकंद। वजन बढ़ाने और मोटा होने के लिए शाकाहारी लोगों के लिए शकरकंद भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप हेल्दी तरीके से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो शकरकंद को भी अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। इसमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो वजन को बढ़ाने में मददगार होती है। इसे आप आग में भूनकर या फिर पानी में उबालकर भी खा सकते हैं। कई लोग तो इसे आटे में गूंदकर इसकी पूरी बनाकर भी खाते हैं, जो कि स्वाद में बहुत ही लाजवाब होती है। तो दोस्तों, ये थी वो पांच सब्जियां जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप बड़ी आसानी से अपना वजन बढ़ाकर मोटे हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों को भी शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो से फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।